हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। तो फेडरल बैंक ने यहाँ दो बैक टू बैक क्रेडिट कार्ड यहाँ लॉन्च किए हैं। एक तो है वन कार्ड के साथ यहाँ पार्टनरशिप करके यहाँ क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, दूसरा है रुपए के साथ यहाँ सिग्नेट क्रेडिट कार्ड यहाँ लॉन्च कर दिया है। तो कुछ ही हफ्ते पहले वन कार्ड के साथ यहाँ पार्टनरशिप करके यहाँ पे जो है वन कार्ड का यहाँ लॉन्च कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो हम जानेंगे कि हमें जो है कौन से कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए और दोनों ही कार्ड में से हमें जो है कौन सा कार्ड हमें पहले इजीली आसानी से हमें ये कार्ड अप्रूव भी हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं वन कार्ड की। तो यहाँ पे ये जो है कम्प्लीटली डिजिटल क्रेडिट कार्ड होगा, यानी कि कम्प्लीटली मोबाइल बेस्ड ये क्रेडिट कार्ड आपका यहाँ हो जाता है। यानी कि जब भी आप इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ आपके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से आपको ये डिटेक्ट कर लेता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो या इसको जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ कोई भी इनकम प्रूफ या कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे आपको इनकम प्रूफ आपको देने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो ऑनलाइन जब भी अप्लाई करेंगे तो ये डिजिटल ऑनबोर्डिंग होता है। तो यानी कि आप अगर आप एलिजिबल होते हैं तो इंस्टेंटली ये आपका क्रेडिट कार्ड यहाँ से इंस्टेंट अप्रूवल यहाँ मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ वर्चुअल क्रेडिट कार्ड यहाँ आपको देखने को मिल जाता है और कुछ ही दिनों में, यानी कि 4-5 दिनों में आपका ये फिजिकल क्रेडिट कार्ड आपके एड्रेस पे अभी डिलीवर कर दिया जाता है। तो यहाँ फेडरल बैंक ने कहा है कि 23 to 35 एज ग्रुप आपका है तो आपको ये कार्ड आसानी से यहाँ मिल सकता है। इसके साथ यहाँ पे आपको जो बिजनेस करते हैं उनको भी ये कार्ड मिल सकता है। अब हम बात करते हैं इस कार्ड के फीचर्स के बारे में। तो कम्प्लीटली ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, यहाँ आपको कोई भी ज्वाइनिंग चार्जेस और एनुअल चार्जेस देना नहीं पड़ता है। हालांकि इस पे आपको मेटल कार्ड आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको कई प्रीमियम कार्ड्स में भी आपको मेटल का क्रेडिट कार्ड आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन वन कार्ड की तरफ से ये आपको मेटल क्रेडिट कार्ड आपको दे दिया जाता है। बात कर लेते हैं रिवार्ड पॉइंट्स की। रिवार्ड पॉइंट्स की बात करें तो इस कार्ड पे आपको ईएमआई के ट्रांजेक्शन में भी आपको रिवार्ड पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ आपको 5x रिवार्ड पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाता है यदि आप दो कैटेगरी में सबसे ज़्यादा आपको यहाँ स्पेंडिंग आप करते हैं। तो इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको जो है एटलीस्ट 3 कैटेगरी में सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग करना पड़ेगा। उनमें से 2 कैटेगरी में आपको यहाँ 5x रिवार्ड पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आपको ट्रैवल का कैटेगरी हो सकता है ग्रोसरीज में। तो इस तरह से आप जो है 3 कैटेगरी में एटलीस्ट आपको जो है सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग यहाँ करना होगा तो आप जो है 5x रिवार्ड पॉइंट्स के लिए यहाँ क्वालिफाई कर लेते हैं। तो रिवार्ड पॉइंट्स की बात करें तो 100 स्पेंड में आपको यहाँ 2x रिवार्ड पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ आप कम से कम 25 रुपया भी आप स्पेंड कर देते हैं तो यहाँ 0.5 रिवार्ड पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाता है। रिवार्ड वैल्यू की बात करें तो यहाँ 1 रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे 10 पैसा होता है। हालांकि ये बहुत ही कम आपको रिवार्ड वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो ये बेसिक कार्ड है, यानी कि इंटर लेवल कार्ड है। तो ये रिवार्ड सिस्टम की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ काम आपको यहाँ देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पे आपको जो है रिवार्ड पॉइंट्स की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है, यानी कि आप कभी भी इसको रिडीम कर सकते हैं। यहाँ जो भी रिवार्ड पॉइंट्स आप उसको स्टेटमेंट भी यहाँ आप क्रेडिट कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपका बिल रहेगा उस पर ये माइनस कर दिया जाता है, यानी कि एडजस्ट कर दिया जाता है। यहाँ आपको ध्यान देना है कि इस कार्ड को जब भी आप लेते हैं आपका कार्ड मिल जाता है तो यहाँ आपको 6 महीने से पहले आपको बंद नहीं कराना। अगर 6 महीने से पहले अगर बंद कराते हैं तो यहाँ आपको 3000 का यहाँ आपको चार्जेस पे करना होगा, क्योंकि ये जो कार्ड है मेटलिक कार्ड है, इसकी वजह से आपको ये चार्जेस आपको देना पड़ सकता है। तो इस कार्ड को अप्लाई कैसे करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ लिंक मिल जाएगा। पहले के कार्ड और अभी के कार्ड में क्या डिफरेंस रहेगा? तो यहाँ पे पहले आपको IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से ये कार्ड आपको दिया जाता था, लेकिन अभी जो है फेडरल बैंक की तरफ से ये कार्ड आपको इशू कर दिया जाता है। इस कार्ड पे टाइम टू टाइम यहाँ रेफर एंड अर्न का भी प्रोग्राम यहाँ चलता रहता है, तो इसके थ्रू आप जो है बोनस रिवार्ड पॉइंट्स भी यहाँ अर्न कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रुपे सिग्नेट क्रेडिट कार्ड की, जो कि फेडरल बैंक अभी रिसेंटली यहाँ टाई अप किया है रुपे के प्लेटफॉर्म में। तो इस कार्ड का खास ये बात ये है कि यहाँ आपको जो है APR यानी कि एनुअल परसेंटेज रेट, यानी कि आपका जो भी बिल जनरेट होता है आप ड्यू डेट के दिन पे नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट आपको सालाना यहाँ पे करना होता है। तो ये जो एनुअल परसेंटेज रेट यानी कि APR जो है बहुत ही कम है। यहाँ पे आपको 5.88% पर एनम है, यानी कि ये 6% पर एनम के आसपास है, तो ये बहुत ही कम है। बाकी क्रेडिट कार्ड की बात करें तो यहाँ आपको 40% तक का यहाँ आपको ब्याज लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 6% पर एनम के हिसाब से आपको यहाँ इंटरेस्ट रेट पे करना हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा यहाँ कंडीशन है, तो वो कंडीशन ये है कि आपका जो भी सेविंग्स अकाउंट होगा, यानी कि जो फेडरल बैंक का सेविंग्स अकाउंट आपका होगा, उस पर आपको मंथली एवरेज बैलेंस यानी कि हर महीने का जो बैलेंस होता है आपको 10 लाख से ऊपर का रखना है, तभी जाके आपको जो यहाँ 5.88% आपको पर एनम यहाँ आपको इंटरेस्ट रेट आपको पे करना होगा। अदरवाइज़ अगर आप 10 लाख के नीचे आप बैलेंस रखते हैं तो यहाँ आपको हो सकता है 30% पर एनम, 35% पर एनम, 41% पर एनम, इस तरह का आपको जो है एनुअल इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, तो कभी भी आप जो है मिनिमम ड्यू को यहाँ पेमेंट ना करें या तो फिर बाद में बिल पेमेंट्स करेंगे, ऐसा आपको कभी भी नहीं सोचना है। क्रेडिट कार्ड का बिल जो है कहीं से भी आप उधार लेके पैसे लेके आप पहले आप क्रेडिट कार्ड का बिल को आप पे कर दीजिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के बिल में बहुत ही ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे करना पड़ता है। हालांकि यहाँ पे सिर्फ 5.88% पर एनम का इंटरेस्ट रेट कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ आपको जो है
सबसे ज़्यादा जो मंथली एवरेज बैलेंस आपके अकाउंट में मेंटेन करेंगे, तभी जाके आपको जो है ये जो इंटरेस्ट रेट सबसे कम वाला आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। अब हम आ जाते हैं इस कार्ड के रिवार्ड सिस्टम के। तो यहाँ पे रिवार्ड पॉइंट्स की बात करें तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स और अपैरल कैटेगरी में आपको जो है स्पेंडिंग करते हैं तो यहाँ आपको 3x रिवार्ड पॉइंट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। वहीं आप एंटरटेनमेंट में आप जो है स्पेंडिंग करेंगे तो आपको 2x रिवार्ड पॉइंट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। और बाकी अदर्स कैटेगरी की बात करें तो यहाँ आपको 1x रिवार्ड पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाता है। वहीं हम वेलकम बेनिफिट की बात करें तो आपको कार्ड इशू होने के विद इन 30 डेज जो है आपको 3000 खर्च कर देना है, तो यहाँ आपको जो है 500 का यहाँ आपको अमेजन का गिफ्ट वाचर यहाँ आपको देखने को मिल जाता है। वहीं आप आइनॉक्स पर आपको जो है यहाँ बाय वन गेट वन का ऑफर आपको देखने को मिल जाता है मूवीज टिकट पर। आपको जो है ये 3 महीने में सिर्फ एक ही बार ये बाय वन गेट वन का ऑफर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। और अगर इस कार्ड से आप हर 3 महीने में अगर 20,000 यहाँ स्पेंडिंग कर देते हैं तो यहाँ स्विगी का वाचर भी देखने को मिल जाता है। डाइनिंग की बात करें तो यहाँ आपको 15% तक का यहाँ इंस्टेंट डिस्काउंट यहाँ देखने को मिल सकता है। बाकी रुपए का जो भी ऑफर्स है वो आपको देखने को तो मिलता ही है। एनुअल चार्जेस की यहाँ बात करें तो ₹750 प्लस GST आपको यहाँ देना पड़ता है, लेकिन अगर आप जो है 75,000 एक साल में स्पेंडिंग कर देते हैं इस कार्ड से तो यहाँ आपको एनुअल चार्जेस वेवर आपको देखने को मिल जाता है। लॉन्ज एक्सेस की बात करें तो यहाँ आपको डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों लॉन्ज एक्सेस यहाँ देखने को मिल जाता है। डोमेस्टिक की बात करें तो हर 3 महीने में आपको 2 बार यहाँ डोमेस्टिक लॉन्ज एक्सेस आपको देखने को मिल जाता है। वहीं आप इंटरनेशनल की बात करें तो 1 साल में सिर्फ 4 बार आपको एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस यहाँ देखने को मिल जाता है। इस कार्ड के साथ साथ आपको जो है पर्सनल एक्सीडेंट का इंश्योरेंस भी 2 लाख का यहाँ आपको देखने को मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें जो है दोनों ही कार्ड में से कौन से कार्ड के साथ हमें जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको 1 कार्ड की तरफ से यहाँ आपको जो है मेटल का कार्ड यहाँ देखने को मिल जाता है, जो कि कई प्रीमियम कार्ड्स में भी यहाँ आपको जो है मेटेलिक कार्ड आपको यहाँ देखने को नहीं मिलता है। तो डेफिनेटली आप जो है 1 कार्ड के साथ यहाँ जा सकते हैं। हालांकि यहाँ रिवार्ड रेट आपको इस कार्ड पर बहुत ही कम आपको देखने को मिल जाता है, जो कि एंट्री लेवल कार्ड है तो भी यहाँ पर इस तरह का आपको जो है रिवार्ड रेट बाकी एंट्री लेवल के कार्ड से आपको जो है कम देखने को मिल रहा है। तो बाकी इंटर लेवल कार्ड की बात करें तो वहाँ आपको अच्छा खासा रिवार्ड पॉइंट्स या आपको कैशबैक भी आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि SBI के कार्ड की बात करें, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC, तो यहाँ आपको जो है इंटर लेवल कार्ड्स में अच्छा खासा यहाँ आपको कैशबैक देखने को मिल जाता है। तो यहाँ आपको जो है मेटल का कार्ड चाहिए तो आपको 1 कार्ड के साथ आप यहाँ जा सकते हैं। दूसरा, आपके पास जो है FD वाला कार्ड है, आप चाह रहे हैं कि आपको जो है अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो इस कार्ड के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है ये जो है अनसिक्योर्ड कार्ड आपको आसानी से मिल जाए। बाकी हम रुपे सिग्नेट क्रेडिट कार्ड की यहाँ बात करें तो यहाँ इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको जो है सेविंग्स अकाउंट का होना जरूरी रहेगा, तभी आप इसको अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास सेविंग्स अकाउंट नहीं होगा तो हो सकता है ये कार्ड आपको तो प्रोसेस ही नहीं होगा, हो सकता है अप्रूव आपको यहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन आप 1 कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो ये कम्प्लीटली डिजिटल जो आपका क्रेडिट कार्ड है, डिजिटल ऑनबोर्डिंग है, तो वो आसानी से आपको जो है मिल सकता है। लेकिन ये कार्ड जो रुपए का क्रेडिट कार्ड आसानी से आपको नहीं मिल सकता, इसके लिए आपको जो है फेडरल बैंक में सेविंग्स अकाउंट होना जरूरी होगा। साथ ही साथ यहाँ रुपए सिग्नेट क्रेडिट कार्ड की यहाँ बात करें तो यहाँ आपको जो है रुपए की तरफ से कोई अच्छा खासा यहाँ आपको ऑफर्स वगैरह यहाँ फिलहाल अभी के डेट में तो यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। हो सकता है आगे चल के हमको जो है अच्छा खासा रुपए की तरफ से यहाँ कैशबैक या ऑफर्स वगैरह हमें देखने को मिले। यहाँ पर आपको डेफिनेटली आपको जो है 1 कार्ड को फिलहाल जो है अप्लाई कर देना चाहिए तो आपका जो है आप एलिजिबल होते हैं, तो आपको ये कार्ड आपको आसानी से मिल सकता है। तो इस तरह से क्रेडिट कार्ड और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहता हूं। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।